कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज दिल्ली से चंडीगढ़ अपने ओथ सेरेमनी में जाते समय अंबाला कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची, जहां पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं चयन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जहां अपने नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं कांग्रेस को लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आश्वासन भी दिलाया। वहीं प्रथम तहलका से खास बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा की नीतियों से जो जनता है वो तंग आ चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में विकल्प बनकर लोगों के सामने आएगी। वहीं कांग्रेस की फूट को शैलजा ने नकारते हुए कहा कि अशोक तंवर और किरण चौधरी से बात हो चुकी है। आखिर क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? आप क्या प्रायोरिटी देंगी? हरियाणा की जनता चाह रही है सरकार है इसको बाहर करेंगे, सारी जन विरोधी नीतियाँ और आगे आने वाला वक्त एक बदलाव का वक्त है। मैडम आज की जो सेरेमनी आपकी होने वाली है उसमें तंवर जी और किरण चौधरी जी आने कितना फर्क आप देखते हैं? यहाँ पार्टी को मिलेगा कितनी मजबूती यहाँ पर मिलेगी? सर लगातार जो तंवर ग्रुप है वो लगातार जिंदाबाद।